स्कोडा स्लाविया। जी हाँ, ये गाड़ी स्कोडा की दूसरी गाड़ी है जो कि MQB AO0 इन प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही है। अब इस प्लेटफॉर्म की कहानी क्या है, ज़रा इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। दरअसल स्कोडा ने भारतीय बाज़ार में भारी तौर पर इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के लिए निवेश किया है और इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी ने यह प्लेटफॉर्म MQB A0 इन उत्पन्न किया है और इस प्लेटफॉर्म के तहत कंपनी ऑलरेडी स्कोडा कुसाक को लॉन्च कर चुकी है भारत में और इसी प्लेटफॉर्म पर सेम फॉक्स वैगन की टैगून भी आ चुकी है। अब ये दोनों गाड़ियां तो ऑलरेडी आ चुकी हैं मार्केट में, लेकिन स्कोडा इसी प्लेटफॉर्म पर सेम दूसरी गाड़ी यानी कि स्कोडा स्लाविया लेकर आने वाली है जो कि आज हमारे पास है। दरअसल हम मुंबई में आए हैं और इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड आपके लिए करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं NBT ऑटो और ये है स्कोडा स्लाविया। स्कोडा स्लाविया की अगर हम डिज़ाइन और लुक्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो ये पूरी तरह फ्रेश लगती है। जी हाँ, और ये जो कलर वेरिएंट आप देख रहे हो ना रेड, ये काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है दिखने में। इसके अलावा अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार और प्रीमियम लगती है और इसकी जो ग्रिल देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रही है। चारों तरफ क्रोम सराउंडिंग्स देख सकते हैं, LED आप लाइट देख सकते हो जो कि मैट्रिक्स LED लाइट आप इसे कह सकते हो। प्रोजेक्टर यहाँ मिल जाता है, हाई बीम लो बीम इसी में ही मिलता है और साथ ही नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। फॉग लैंप भी ये आपको L शेप्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्रोम की लाइन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये जो बोनेट पर ये जो लाइंस और क्रीजेस आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा इसे तेज तर्रार रूप देती हुई नज़र आती हैं। स्कोडा स्लाविया के अगर हम साइड की तरफ देखें तो यहाँ से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी नज़र आती है, 4.5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी लंबाई है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, स्पोर्टी कैरेक्टर आपको इस साइड प्रोफाइल में देखने को मिल जाता है, स्कोडा यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो ORVM है ये भी आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाता है। विंडो पर अगर आप देखोगे तो ये जो विंडो लाइन है यहाँ पर आपको क्रोम टच देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल्स पर भी अगेन क्रोम टच देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप व्हील्स देखते हो तो यहाँ पर कंपनी 16 इंच के एलॉय व्हील्स ऑफर कर रही है, 16 इंच का टायर आपको यहाँ मिल जाता है। हालांकि इस वेरिएंट के जितने भी नीचे वाले वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको 15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं और उनमें एलॉय व्हील्स भी नहीं मिलता है, व्हील कैप और टायर देखने को मिल जाता है। रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ से भी ये गाड़ी दिखने में अगेन प्रीमियम फील दे रही है। जी हाँ, पीछे की तरफ अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर ये जो एलिमेंट दिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। रियर स्किड प्लेट आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है और पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो 1, 2, 3 ये पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। टॉप मॉडल है, हालांकि स्कोडा लिखा हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, स्लाविया भी लिखा हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। LED टेल लाइट की ये जो ट्रीटमेंट है और ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बूट स्पेस इसका 521 लीटर का मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो चलते हैं अब इसके इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है नई स्कोडा स्लाविया में। स्कोडा स्लाविया के जैसे ही आप इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स स्कोडा कुशाक वाले देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको सेम ऐसा फील होता है कि जैसे कंपनी ने सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा लेकिन हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है, हालांकि जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छी ग्रेड की लगती है। इसके अलावा अगर आप सेंटर कंसोल पर देखते हो तो यहाँ पर आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है अगेन। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्कोडा स्लाविया 3 वेरियंट्स यानी कि एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल 3 वेरिएंट में आती है। ये जो वेरिएंट है टॉप एंड है यानी कि स्टाइल है, तो इसलिए आपको इसमें 10 इंच का मिल रहा है, बाकी के जो नीचे के दो वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 7-7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो AC के कंट्रोल्स हैं ये सेम टच सेंस वाले मिलते हैं जैसा कि सेम स्कोडा कुशाक में आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ये जो लेआउट है ये भी आपको स्कोडा कुशाक वाला ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर टाइप सी USB पोर्ट दे रही है जैसा कि सेम अगेन स्कोडा कुशाक में आपको मिलता है, हालांकि मुझे लगता है कि कंपनी को एक USB और एक टाइप सी देने की ज़रूरत थी।
वो इसलिए भी क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके पास टाइप सी वाला ही केबल चार्जिंग केबल हो या फिर टाइप सी वाला केबल हो और उसके जरिए इसे कनेक्ट कर सके। किसी के पास पुराने फ़ोन भी हैं यार, हमारे पास भी हैं, तो अगर कंपनी यहाँ पर एक USB पोर्ट देती तो शायद से थोड़ा और अच्छा होता। इसके अलावा यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसमें भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छा मिलता है और यहाँ पर ये जो आप ट्रीटमेंट देख रहे हो, ये जो एलिमेंट देख रहे हो, पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया है, टेक्सचर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर ये जो लेदर रैप्ड है इसकी पकड़ भी काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आपको लुक ये देते हुए नज़र आता है। 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको यहाँ मिल जाता है जो कि एक नया लग रहा है, नया फील आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही मिल जाता है। और स्टोरेज स्पेस की बात करें तो दरवाज़ों में एक एक लीटर की पानी की बोतल तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अम्ब्रेला भी रख सकते हैं, अम्ब्रेला होल्डर भी इसमें मिलता है और काफ़ी सारा सामान रखने के लिए कंपनी जगह भी ऑफर कर रही है। सीटों की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतर कंफर्ट के साथ आती है, जैसे कि स्कोडा कुशाक आती है। इसके अलावा आपको वेंटिलेटेड सीटें मिल जाती हैं, सनरूफ मिल जाता है और यहाँ पर जितना भी आपको बटन्स की क्वालिटी और ये जो मटेरियल यूज़ हुआ है काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला नज़र आता है। IRVM भी काफ़ी कॉम्पैक्ट और यूनिक लगता है। तो अब चलते हैं इसके रियर सीट पर और देखते हैं वहाँ कंपनी क्या क्या कुछ फीचर्स ऑफर कर रही है और वहाँ का कंफर्ट पहली बार बैठने पर कैसा लगता है। स्कोडा स्लाविया के जैसे ही आप रियर सीटों पर बैठते हैं तो यहाँ पर सच बताऊँ आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। जी हाँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी गाड़ी की सीटों पर बैठा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी सोफे पर बैठा हूँ। जी हाँ, खैर, लेग रूम, हेड रूम और शोल्डर रूम किसी भी तरीके की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। हालांकि कप होल्डर्स का जो साइज़ है वो छोटा है, जैसे कि आपने स्कोडा कुशाक में देखा होगा, कंपनी कम से कम ये जो कप होल्डर्स का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा कर सकती थी। इसके अलावा अगर हम सुविधा की बात करें तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, हालांकि AC वेंट्स के जो कंट्रोलर्स हैं वो नहीं मिलते, 2 USB टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, अगेन जैसे कि आगे मिलते हैं पीछे भी आपको 2 दे दिए गए हैं, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर 6 फीट या इससे ज़्यादा लंबा व्यक्ति यहाँ पर पीछे बैठेगा तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हेडरूम में, हालांकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। रियर सीट का जो साइज़ है वो पर्याप्त है और 3 लोग इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं, काफ़ी आरामदायक अवस्था में बैठ सकते हैं। और चलते हैं अब इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। स्कोडा स्लाविया के अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो कंपनी इसमें ऑफर कर रही है 2 इंजन ऑप्शंस, एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है और दूसरा है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। ये दोनों ही इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और रिफाइंड हैं। स्कोडा कुशाक में मैंने चलाकर देखे हैं, तो इन इंजन की पावर स्पेसिफिकेशंस क्या है, पावर आउटपुट क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो जो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है वो आपको 110 PS की पावर देता है और साथ ही 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं जो इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है वो आपको 150 PS की पावर देता है और साथ ही 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है ना वो 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DSG, यानी कि जैसा कि DCT ट्रांसमिशन होता है वैसे ही DSG ट्रांसमिशन कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, जो कि डुअल शिफ्ट गियरबॉक्स आप कह सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है चलाने में। जब हम इसका रिव्यू करेंगे तब हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल ये था इसका इंजन का पावर स्पेसिफिकेशन या पावर आउटपुट और इंजन के बारे में, और मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि 3 वेरिएंट्स में गाड़ी आती है। फिलहाल कंपनी ने स्कोडा स्लाविया की बुकिंग शुरू कर दी है, आप जाकर गाड़ी को बुक करा सकते हैं। ये गाड़ी 2022 की शुरुआत में लॉन्च होगी और इस गाड़ी की जो डिलीवरी है वो 2022 की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों से भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि नई
स्कोडा स्लाविया के बारे में जानना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये गाड़ी भारतीय बाजार में आने के बाद रैपिड को ज़रूर रिप्लेस करेगी।